स्थित गोरेगांव के आरे मिल्क कॉलोनी के आरे डेयरी के सामने आरे राम कथा मैदान में हिंदी भाषी जनहित मंडल द्वारा मानव कल्याण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन गाथा श्री राम कथा की अमृतमय वर्षा कथा व्यास मानस मर्मज्ञ परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के मुखारविंद से 17 जनवरी से 25 जनवरी तक हो रहा है। कथा के पहले छोटा कश्मीर के गांव देवी मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिला भक्त यात्रा में शामिल रही। आज मुंबई में 17 तारीख से 25 तारीख तक जनवरी तक ये 9 दिवसीय श्री रामकथा का आयोजन है और ये गोरेगांव ईस्ट में आरे डेयरी के पास ये आयोजन है। आप सब इसमें सादर आमंत्रित हैं। श्री धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जी इसके अध्यक्ष हैं हिंदी भाषी जनहित मंडल के, और आपसे निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से इसे खूब प्रसारित करें। ये शाम को 4 बजे से 8 बजे तक रहेगी प्रतिदिन, और आज रोहिणी नक्षत्र में प्रारंभ हो रही है। सबसे बड़ी बात ये आज एकादशी है, और जहाँ उत्तर प्रदेश में कुंभ प्रारंभ हो रहा है उसके साथ ही भगवान सूर्य के मकर राशि में आने के बाद ये पुण्य का आयोजन यहाँ मुंबई में किया गया है। इसमें जो भी भाग लेगा उसको निश्चित रूप से अपार पुण्य की प्राप्ति होगी। ये आयोजन पुण्यों के लिए होते हैं, जिससे सत्कर्म बढ़े तो सत्कर्म से ही जीवन में सुख बढ़ता है। हमारे देश में सभी देवताओं का आवाहन हमेशा कलश में ही किया जाता है। हर त्यौहार में कलश का ही पूजन होता है। नवरात्रों में भी माँ का आवाहन कलश में होता है। तो सभी देवताओं देव शक्तियों का आवाहन करके सभी माताएं इन कलशों को अपने घर में स्थापित करेंगी, जिससे कि सबके घर पर देवताओं की कृपा बरसे। क्योंकि सब चाहते हैं कि हमारा घर सुख से समृद्धि से स्वास्थ्य से भरपूर रहे, मंगल भवन मंगलहारी हो। और भगवान तो स्वयं मंगल भवन मंगलहारी हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। तो ये धर्मेंद्रनाथ ठाकुर जी की अध्यक्षता में आयोजन इसीलिए हो रहा है कि समस्त मुंबई वासियों के घर मंगल भवन बने, और भक्ति जहाँ रहेगी वहाँ मंगल ही मंगल होगा, ऐसी भावना के साथ हो रहा है। भगवान राम की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद, और मेरा ये सौभाग्य है कि राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन आरे कॉलोनी में करने का मौका मिला। पिछली बार ये कथा जब अंधेरी में हुई थी तो लोगों की इच्छा थी कि ऐसी कथा, हम लोगों ने राम की कथा तो बहुत जगह सुनी है, लेकिन इस तरीके से जो राम जी का जीवन क्या अच्छा क्या बुरा लोगों के मन में बस जाए, वैसा पहली बार परम पूज्य गुरुजी अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के कारण से संभव हुआ। लोगों की बहुत इच्छा थी, बहुत सारे लोग इस तरफ के वहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार आयोजन आरे कॉलोनी में हो, तो हमने इसके लिए यहाँ पर में आयोजन किया है। और ये ज्ञान यज्ञ है, 9 दिन में अगर 9 दिन सुनेंगे गुरु जी की कथा, गुरु जी के का प्रवचन, तो निश्चित रूप से संस्कार रोपण का काम जो आज के तारीख में सबसे कम हो गया है, ये बहुत बड़ा काम हमारे परम पूज्य गुरु जी अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के द्वारा होगा, और उसके कारण से लोगों के जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। हमारा एक और केवल एक उद्देश्य है कि किसी को अगर आप कुछ धन दे देते हैं, कुछ साधन दे देते हैं, तो वो कुछ पल और कुछ दिन के लिए होगा, लेकिन अगर ज्ञान की एक बूंद भी समा गया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे लिए ये ज्ञान यज्ञ महत्वपूर्ण है। और आज भी जो पिछली बार कथा हुआ था, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे इतना सम्मान करते हैं, और एक जन को पहचानते नहीं थे हम, लेकिन वो हमारे पीछे पड़ा था कि मेरे घर चलिए मेरे घर चलिए, और जब मैं उसके घर पर गया तो वो बोला कि इस पिछले बार जो कथा हुआ था उससे पहले उसका जीवन नर्क था, वो खुद शराब पीता था, उसका बच्चा समय पर नहीं आता था, पत्नी से झगड़े होते थे, लेकिन पिछली बार जो 9 दिन का कथा हुआ उसके बाद उसके घर में ना कोई, वो खुद शराब पीता है ना कोई झगड़ा होता है, बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, आनंद ही आनंद है। उसका कहना था कि मेरा जो जीवन है वो नर्क से स्वर्ग में परिवर्तित हो गया उस 9 दिन के ज्ञान यज्ञ के कारण से। तो ऐसा अगर कुछ घरों में भी होता है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो रहा है, यही मेरा कहना है।